हेलो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का नॉलेज ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ और हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी सो so, फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है इस चैनल पर हमने सैनिक स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय समिति के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम मैथमेटिक्स में कवर कर रहे हैं एवरेज चैप्टर को हमने नंबर सिस्टम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट फ्रैक्शन डेसिमल एक्सपोनेंट एंड पावर्स ये सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं अब हम कवर कर रहे हैं एवरेज को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े फिर हमने पढ़ा कि इन बेसिक कॉन् पर बेस्ड आपसे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हमने पार्ट वन कर लिया है जिसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था अब हम कवर कर रहे हैं पार्ट टू ठीक है इसमें जो भी क्वेश्चंस थे उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा ठीक है प्रीवियस पार्ट से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जो सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देर करे हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि है फाइंड द एवरेज ऑफ वन पॉइंट वन वन जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट वन जीरो वन पॉइंट जीरो ज़ीरो वन एंड पॉइंट वन वन तो हमारे पास नंबर की है वन पॉइंट वन वन फिर पॉइंट ज़ीरो वन फिर पॉइंट वन जीरो वन फिर पॉइंट जीरो जीरो वन फिर पॉइंट वन वन जब आपको एडिशन और सब करना होता है आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं फिर नंबर्स को लेफ्ट से राइट को लिखना स्टार्ट करते हैं ठीक है तो ये देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है तब तो वन प्लस वन जहाँ पर जिसके ऊपर से नहीं है जीरो लगा दीजिए बेसिक्स है आपने पढ़ा होगा बट फिर भी जिसे नहीं पता मैं बता देता हूँ तो प्लस वन प्लस वन टू वन टू थ्री फिर वन टू थ्री पॉइंट वन तो हमारा इन नंबर्स का सम कितना आ गया वन पॉइंट थ्री थ्री टू डिवाइड बाय एवरेज के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने वन टू थ्री फोर फाइव तो ऑब्जर्वेशन के लिए नंबर कितने हैं फाइव तो अब हम करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है हुँ. तो पहला पॉइंट आ गया पॉइंट पाँच दुनी दस ठीक है पाँच फाइव टू जा टेन थ्री थर्टी थ्री हो गया फाइव सिक्स जहाँ थर्टी ठीक है अब देखिए पॉइंट टू सिक्स आ गया अब देखिए पॉइंट टू सिक्स आपको कहाँ कहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर वन में मिल रहा है तो देखिए अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन हैं जो चारों के चारों अलग दिखते हैं ठीक है थीके? तो आंसर्स तो उसी में से ही होगा अब देखिए पॉइंट टू सिक्स है कहाँ पर आया ऑप्शन नंबर वन में तो मैं सीधे ऑप्शन नंबर वन को टिक कर दूंगा क्यों क्योंकि पॉइंट टू सिक्स और कहीं पर नहीं है हाँ अगर होता तब मुझे पूरा कैलकुलेट करना पड़ता तो फाइव सिक्स ज़ा थर्टी हुआ था थ्री बचा फाइव सिक्स जहा थर्टी फिर टू बचा फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी तो टू पॉइंट सिक्स सिक्स फोर वो आए ना ऑप्शन नंबर वन यह है ठीक है तो ये चीज़ें आपकी ये छोटी छोटी बातें होती हैं ये आपका टाइम सेव करती हैं ठीक है नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ ट्वेंटी नंबर्स इज फिफ्टीन ठीक है ट्वेंटी नंबर्स का एवरेज कितना है फिफ्टीन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट फाइव इज ट्वेल्व तो फर्स्ट फाइव नंबर्स का एवरेज कितना है ट्वेल्व तो द एवरेज ऑफ द रेस्ट देखिए ट्वेंटी नंबर्स का एवरेज दे रखा है फिफ्टीन स्टार्टिंग के पाँच नंबर्स का एवरेज कितना है ट्वेल्व तो बचे नंबर कितने ट्वेंटी माइनस फाइव यानी फिफ्टीन नंबर्स तो फिफ्टीन नंबर का एवरेज क्या होगा तो एवरेज बराबर क्या होता है सम अपॉन नंबर्स अब नंबर तो आपको पता है कि फिफ्टीन है लेकिन सम कैसा आएगा तो सम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ट्वेंटी नंबर्स के सम में से इन फर्स्ट फाइव नंबर्स का सम क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा और सम कैसे निकलता है एवरेज इंटू नंबर मैं आपको बता रखा है एवरेज टू क्या होता है सम अपॉन नंबर तो सम निकालना है तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी थ्री हंड्रेड हो गया ट्वेल्व इंटू फाइव सिक्सटी हो गया तो थ्री हंड्रेड में से सिक्सटी माइनस करा टू फोर्टी तो टू फोर्टी अपॉन फिफ्टीन आ जाएगा तो फिफ्टीन फाइव पंद्रह का नब्बे तो कितना आ गया सिक्सटीन ठीक है तो ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्व के जी ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपीज थर्टी पर के जी इज मिक्सड विद आठ के जी ठीक है एट के जी ऑफ राइस कॉस्ट कॉस्टिंग रुपीज़ फोर्टी पर केजी जी द एवरेज पर केजी प्राइस ऑफ मिक्स राइस देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए जो ट्वेल्व केजी राइस जिसका एवरेज प्राइस क्या है रुपीज़ थर्टी पर केजी ये तो है एक किलो तीस रुपये का है और टोटल कितना है बारह तो इस टू और क्या हो रखा है एट केजी राइस ये कितने का बिकता है ये बिकता है चालीस रुपया पर के जी ठीक है तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है द तो एवरेज पर के जी प्राइस ऑफ मिक्स राइस यानी जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो उसका एवरेज प्राइस क्या निकलेगा देखिए एवरेज प्राइस कैसे निकलता है टोटल कॉस्ट सम अपॉन नंबर्स ऐसे तो निकलता है और सम किसका इस टोटल राइस का सम कितना है यानी जो बारह किलो है वो तीस रुपये का एक किलो मिला है तो बारह के की वैल्यू कितनी होगी भारतीय छत्तीस तीन सौ साठ टोटल रुपये और जो चालीस रुपया पर के है आठ किलो की कीमत कितनी होगी तीन सौ बीस तो टोटल जो बारह प्लस आठ ट्वेल्व प्लस एट कितना के हो गया ट्वेंटी के जी तो इस ट्वेंटी के जी की वैल्यू कितनी हो गई है एट जीरो सिक्स तो सिक्स एट जीरो तो सिक्स एट जीरो कॉस्टिंग किसकी है ट्वेंटी के जी की तो एवरेज प्राइस कितना निकलेगा सम अपॉन नंबर्स तो तीन चार तो एवरेज प्राइस कितना निकलेगा चौंतीस रुपया पर के जी ठीक है ऑप्शन नंबर फोर हमने क्या कर रखा है इन दोनों को मिक्स कर दिया अब हमें किस रेट के हिसाब से बेचना चाहिए कि हमें फायदा हो ठीक है हमें ना नुकसान हो ना कुछ फायदा हो तो चौंतीस रुपया पर केजी के जी के हिसाब से इसे बेचना पड़ेगा देखिए क्वेश्चन कैसा भी दे दे मेथड एक ही है बेस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बाकी चीज आपको पता चल जाएगी द एवरेज सॉरी देखिए अब क्या कह रहा है द टोटल वीकली इमोल्यूमेंट्स ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री इज सत्रह पंद्रह चौंतीस पंद्रह चौंतीस रुपया है किसका सेवन डेज का वीकली इमोलिमेंस सेवन डेज तो सेवन डेज का कितना है पंद्रह चौंतीस है अब एक वर्कर का ठीक है सेवन डेज में एक वर्कर कितना कमाता है एक सौ अट्ठारह रुपये ठीक है तो नंबर ऑफ वर्कर्स बताना है यानी इस फैक्ट्री में नंबर्स कितने देखिए डेज तो इक्वल है सात डेज सेवन डेज ये भी है सेवन डेज का ये भी है अब यहाँ पर सपोज एन क्या है हमारे एम्प्लॉय हैं सपोज जो वर्कर्स हैं उनका नंबर कितना है एन है ठीक है तो ये एन वर्कर्स सात दिन में कितना कमाते हैं पंद्रह चौंतीस ठीक है फिफ्टीन थर्टी फोर और एक वर्कर ठीक है वो कितना कमाता है सात दिन में एक सौ अट्ठारह तो हमें नंबर्स का पता लगाना है ये तो पता लगाना है तो हम क्या कर देंगे देखिए एवरेज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ठीक है एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर सात दिन में एन वर्कर इतना कमा रहे हैं ठीक है तो क्या करेंगे उन वर्कर्स का एक दिन का निकालेंगे एन से डिवाइड कर देंगे फिर यहाँ पर सेवन डेज वो काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा ठीक है हम क्या करेंगे हमें अभी सेवन डेज को देखना ही नहीं है सेवन डेज़ को देखना नहीं है इसको इस तरीके से समझिए एक वर्कर कितना कमाता है एक सौ अट्ठारह रुपये ठीक ठीक है तो कितने वर्कर्स पंद्रह चौंतीस कमाएंगे इसको आप ये तरीके एक पेन की कीमत बीस रुपये है तो दो सौ रुपये में कितनी पेन आएंगी क्या करते हैं टोटल जो कॉस्ट है उसमें से एक पेन की कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं तो कितनी आती है टेन पेन आएंगी तो सेम यहाँ पर भी है एक वर्कर इतना कमाता है तो एन वर्कर कितना कमाएंगे तो फिफ्टीन थर्टी फोर अपॉन वन एटीन ठीक है अब देखिए या तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए कितने बार जाएगा थर्टीन टाइम ठीक है और वन uh, एटीन हाँ थर्टीन टाइम्स ये जाएगा तो हमारा आंसर क्या जाएगा थर्टीन नेक्स्ट है द एवरेज वेट ऑफ फाइव पर्सन सिटिंग ऑन ए बोट इज थर्टी एट द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड पर्सन सिटिंग इन द बोट इज फिफ्टी टू वट इज द वेट ऑफ द बोट यानी हमें बोट का निकालना है फाइव परसेंट ठीक है इनका एवरेज कितना है थर्टी एट के जी ये तो है फाइव परसेंट का एवरेज वेट कितना है थर्टी एट के जी अब सेकेंड उसमें क्या कर रखा है इन पाँच पर्सन प्लस बोट का एवरेज बोट सहित इनका एवरेज कितना आ जाता है फिफ्टी टू तो हमें बोट का क्या निकालना है वेट निकालना है तो क्या करेंगे इन टोटल के वेट्स में से इन पांच बंदों का वेट घटा देंगे तो हमें बोट का वेट मिल जाएगा ये तो है ठीक है आप इसको इस तरीके से समझिए समझ सकते हैं कैसे दस पेन और एक पेंसिल ठीक है दस पेन की अलग से कीमत है तीन सौ रुपये और इन टोटल की कीमत कितनी है तीन सौ पचास रुपये तो वह एक पेंसिल की कीमत कितनी आएगी इस तीन सौ पचास में से इस तीन सौ को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा पचास रुपया तो पचास रुपये किसका बचेगा पेंसिल की वैल्यू तो वैसे ही यहाँ पर है पाँच परसेंट का एवरेज वेट इतना है तो सम कितना हो जाएगा एवरेज बराबर क्या होता है सम अपॉन नंबर्स तो सम निकालना है तो क्या हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर्स तो एवरेज थर्टी फोर है इंटू नंबर्स पाँच तो थर्टी एट इंटू फाइव अठ पालीस पच्चीस पंद्रह उन्नीस तो पाँच परसेंट का वेट कितना रखा है वन नाइन्टी और फाइव परसेंट ऑफ बोट सहित कितना है फिफ्टी टू अब यहाँ पर टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा पाँच तो पर्सन होगी और एक बोट होगी तो सिक्स पर्सन होगा तो इसको हम इंटू सिक्स कर देंगे तो सिक्स टू जै ट्वेल्व सिक्स थर्टी तीन सौ बारह आ गया ठीक है तो टोटल वेट कितना है तीन सौ बारह और पांच बंदों का वेट कितना है एक सौ नब्बे तो दो दो एक तो एक सौ बाईस के जी तो वन ट्वेंटी टू के जी इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू ठीक है तो आप इसको बेसिक से समझिए ठीक है क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो समझिए सॉल्यूशन आप खुद निकाल लेंगे बस आपको क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए कि वो आपसे कहना क्या चाह रहा है ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द एवरेज ऑफ टेन नंबर्स इज़ सेवन इफ ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स विल बी यानी जो हमारा एवरेज होगा नया वो क्या होगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर आप इसे बेसिक से भी समझ सकते हैं ठीक है पहले आपको सम निकालना पड़ेगा फिर डिवाइड करना पड़ेगा तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक चीज़ बताई थी सपोज आपके पास नंबर्स हैं ठीक है ए बी सी इनका एवरेज कितना आ गया है एक्स आ गया है अगर आप इन तीनों नंबर्स में सेम नंबर सपोज आपने थ्री ऐड कर दिया ठीक है तो एवरेज भी तीन नंबर से बढ़ जाएगा अगर आप इनमें फाइव माइनस कर रहे हैं ठीक है तो एवरेज भी क्या चले आएगा? फाइव से नीचे चले जाएगा अगर आप इसमें डिवाइड बाय थ्री कर रहे हैं हर एक नंबर को ठीक है तो एवरेज भी क्या हो जाएगा उस थ्री से डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय टू कर रहे हैं हर एक नंबर को तो एवरेज पर इफ़ेक्ट क्या पड़ता है एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा टू से यानी हर एक डेटा में हम जो भी चेंज कर रहे हैं सेम नंबर से प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई तो एवरेज को भी वही ऑपरेशन करना पड़ता है अब यहाँ पर टेन का टेन नंबर्स का एवरेज कितना है सेवन अगर हम इन तीनों सारे नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ट्वेल्व से तो ये कितना हो जाता है एटी फोर तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा एटी फोर ठीक है तो ये बेसिक होता है तो आपको ये चीज़ें क्या होती हैं आपका टाइम सेव करती हैं नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ इन एग्जामिनेशन बाय एट स्टूडेंट वाज़ फिफ्टी वन यानी एट स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं फिफ्टी एंड ई नाइन अदर स्टूडेंट वॉज सिक्सटी एट और बाकी अदर जो नाइन स्टूडेंट हैं उनका क्या है सिक्सटी एट द एवरेज मार्क्स ऑफ टोटल सेवनटीन तो ये टोटल कितने स्टूडेंट हो गए सेवनटीन तो इनका एवरेज निकालना है तो बता रखा है सम निकालना पड़ेगा एट वन जाए एट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एट फाइवजा फोर्टी और नाइन स्टूडेंट का एवरेज कितना है सिक्सटी एट तो सम कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो नौटा बहत्तर सात नौ छक्का चौवन सात इकसठ तो आठ नौ दस दो दस ठीक है तो वन जीरो टू जीरो आ गया अब एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई सेवेंटीन तो एवरेज क्या जाएगा कितना जाएगा सत्रह सत्ती छक्का एक सौ दो सिक्सटीन ठीक है तो सिक्स सेवनटीन सिक्स जा वन हंड्रेड टू जीरो तो कितना आ गया एवरेज मार्क्स 60. नेक्स्ट है द स्टूडेंट पॉस आस्ट टू फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग ट्वेल्व नंबर्स थ्री 11, नाइन सॉरी सेवन नाइन सेवन नाइन फिफ्टीन थर्टीन एट नाइनटीन सेवेंटीन ट्वेंटी वन फोटीन और x ठीक है इनका एवरेज क्या रखा है ट्वेल्व ठीक है तो हमको x की वैल्यू पता करनी है कि ये क्या होगा ठीक एवरेज बराबर क्या होता है सम अपॉन नंबर्स अब हमें सम कितना गया? इनको ऐड करेंगे ठीक है सपोज ऐसा आ गया प्लस एक नंबर क्या बचेगा x बचेगा अपॉन नंबर्स कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और एवरेज कितना है ट्वेल्व है तो ट्वेल्व से ट्वेल्व मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा वन फोर्टी फोर अब ये ये क्या है इन नंबर्स का टोटल इन नंबर्स का टोटल कितना आएगा देखिए इलेवन प्लस नाइन टेन सेवन प्लस थ्री टेन ठीक है और ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ये हो गया टेन टेन ट्वेंटी थर्टी ये हो गया ठीक है और टेन ट्वेंटी ठीक है पंद्रह दूनी तीस तीस और सात सत्ताईस तो ये इन तीनों का हो गया सत्ताईस तो हमारे पास क्या है चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ एक सौ दस एक सौ सत्रह प्लस एक्स इक्व टू वन फोर्टी फोर अब इसको यहाँ माइनस कर देंगे तो एक सौ सत्रह माइनस हो जाएगा तो चौदह में से सात गया सात तीन में से एक गया दो तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई है तो हमने कुछ एडिशन में गलती कर रखी है अच्छा ये ट्वेंटी होना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा एक सौ सत्ताईस और टेन बीस तीस चालीस दस बीस तीस चौदह दून अट्ठाईस एक उनतीस उनतीस और आठ सैंतीस तो थर्टी सेवन होगा ठीक है तो ये कितना होगा थर्टी सेवन तो चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ एक सौ सैंतीस सॉरी ये कितना हो गया एक सौ सैंतीस तो यहाँ पर कितना बचेगा चार पाँच छः सात तो x की वैल्यू कितनी आ गई सेवन ठीक है तो एडिशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी तो आपको एडिशन में क्या करना है ध्यान देना है आपको छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द एवरेज एज ऑफ फोर्टी स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज ट्वेंटी फाइव फोर्टी स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है एज ट्वेंटी फाइव ईयर्स टू न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास द एवरेज इज इंक्रीज बाय फाइव यानी फोर्टी थे अब टू न्यू स्टूडेंट बढ़ गए तो एवरेज क्या हुआ पाँच से बढ़ गया यानी ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव हो गया यानी कितना हो गया अब एवरेज कितना हो गया थर्टी सो फाइन द टोटल एज ऑफ न्यू तो ट्वेंटी स्टूडेंट का एवरेज ये है तो इनका सम कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू फोर्टी यानी थाउजेंड अब दो स्टूडेंट और बढ़ गए तो टोटल स्टूडेंट कितनी हो गई फोर्टी टू इनका एवरेज कितना है थर्टी ठीक है तो टोटल कितना हो जाएगा तीन चार बारह ये तो इन दो न्यू स्टूडेंट के एज का सम कितना होगा टू सिक्सटी अपॉन थाउजेंड यानी टू सिक्सटी ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए देखिए बेसिक अगर पता है तो दिक्कत कभी नहीं होगी ठीक है नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ फोर फिफ्टी नंबर्स कैलकुलेटेड एज एटीन तो फिफ्टी नंबर्स का एवरेज कितना है एटीन है थ्री नंबर्स एटीन थर्टी टू और सिक्सटी फाइव ठीक है रॉन्गली टेकन एज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी नाइन और 56. सो करेक्ट एवरेज क्या होगा 50 नंबर उनका एवरेज 18. हमने 18, 18 को क्या लिख दिया 35 लिख दिया ठीक है रॉन्गली टेकन एज 25. यानी 18 को हमने क्या लिख दिया है 25. 32 को क्या लिख दिया है 29. और 65 को क्या लिख दिया है 56. तो हमसे करेक्ट पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे पहले इसका क्या निकाल देंगे सब निकाल देंगे तो एटीन फाइव तो सम कितना आ गया 900 अब हमने क्या करा है 18 को गलत लिखा है 25 से देखिए जो नंबर गलती से लिखे गए हैं उनको माइनस कर देंगे और जो करेक्ट वाले हैं उनको प्लस कर देंगे यानी 900 गलत क्या लिखा था तो 25 माइनस कर दिया प्लस उसका करेक्ट वर्ज़न क्या है 18 फिर माइनस क्या करेंगे ट्वेंटी और उसको हमने क्या गलती से लिख दिया था लिखना हमने लिखना क्या था थर्टी टू और लिख क्या दिया ट्वेंटी नाइन तो थर्टी टू में से ट्वेंटी नाइन को माइनस कर देंगे तो और फिर गलती से हमने क्या लिख रखा फिफ्टी सिक्स और ऐड क्या कर देंगे सिक्सटी फाइव यानी ये वाले नंबर प्लस हो जाएंगे ये वाले नंबर माइनस हो जाएंगे तो इनका आप एडिशन कर लीजिए छः पाँच ग्यारह पाँच बीस दो पाँच चार नौ दस ग्यारह तो गलत जो नंबर्स हैं उनका सम कितना आया एक सौ दस और जो करेक्ट हैं आठ नौ दस पाँच पंद्रह एक छः चार दस ग्यारह तो एक सौ पंद्रह लिखना था एक सौ दस सॉरी लिखना एक सौ पंद्रह था लिख कितना दिया एक सौ दस तो नाइन हंड्रेड में से हम क्या करेंगे माइनस एक सौ दस प्लस एक सौ पंद्रह तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस किया तो प्लस एक सौ पंद्रह आया प्लस पाँच बचा तो नाइन हंड्रेड फाइव अपॉन नंबर्स तो उतने तो ही है फिफ्टी तो फिफ्टी तो पहले इसको मैं डिवाइड कर दीजिए पहले फाइव से कर दीजिए फाइव टेन और फाइव से फाइव बन जाए फाइव एटीन वन एट वन और टेन से डिवाइड करा तो पॉइंट तो एटीन पॉइंट वन आ गया ठीक है तो इसमें क्या है जो नंबर हमने गलत लिख रखे हैं उनको माइनस कर देंगे और जो एक्चुअल में सही नंबर से उनको ऐड कर देंगे ठीक है ये है हमारा क्वेश्चन अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है अ लाइब्रेरी हैज़ एवरेज नंबर ऑफ फाइव टेन विजिटर ऑन संडे एंड टू फोर्टी ऑन अदर डेज ठीक है अदर डेज़ का मतलब संडे के अलावा जितने भी हफ्ते में सात दिन बचे वट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ थर्टी डेज बिगिनिंग विथ सैटरडे यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है कितने कितने दिन का है तीस दिन का है ठीक है और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है यानी एक तारीख को क्या पड़ रहा है सैटरडे पड़ रहा है क्या पड़ रहा है सैटरडे पड़ रहा है सेवन ठीक है वन तो उसके बाद आएगा संडे फिर मंडे फिर ट्यूसडे फिर वेंसडे फिर थर्सडे फिर फ्राइडे फिर फ्राइडे से दोबारा सैटरडे अब क्या हो रहा है कि एक तारीख को सैटरडे पड़ रहा है दो को संडे तीन को मंडे चार को ट्यूसडे फाइव को इतना थर्सडे सेवन यानी हमारा मंथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से और फ्राइडे पर कहाँ जा रहा है सेवन ठीक है तो ऐसे ही हम देख लेंगे सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन देखिए अब आपको क्या देखना आप सेवन का टेबल पढ़िए सात को इक्कीस सात को अट्ठाइस यहाँ पर क्या पड़ेगा इक्कीस बाईस ठीक है तो आपको क्या देख रहा है फ्राइडे में सेवन पड़ा तो सात चौदह इक्कीस अट्ठाईस और लास्ट में क्या बचेगा उनतीस और तीस इस तरीके से ठीक है अब हमसे यहां पर इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है कि संडे को तो क्या आता है पाँच सौ दस विजिटर्स आते हैं ठीक है और लेकिन बाकी दिन कितने आते हैं दो सौ चालीस यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी ठीक है तो हमें बताना है कि एवरेज कितने आते हैं अब देखिए बाकी दिन तो सेम है तो संडे कितने दिन पड़ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव लेकिन संडे को तो हमारे तो संडे में पाँच दिन पड़ रहे हैं पाँच दिन संडे आ रहे हैं तो हमारे टोटल विजिटर्स कितने होंगे फाइव हंड्रेड टेन इंटू फाइव और बाकी दिन बचे, कितने बचे हैं टोटल कितने हैं थर्टी और बाकी कितने दिन बचे हैं पच्चीस तो बाकी दिन का सम कितना हो जाएगा टू फिफ्टी इंटू ट्वेंटी टू फोर्टी इंटू ट्वेंटी फाइव अब हमें एवरेज निकालना है तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं सम हम सम के लिए क्या करते हैं सम निकालने के लिए हम करते हैं फाइव टेन इंटू फाइव प्लस टू फोर्टी इंटू ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी ठीक है तो देखिए आप इनको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके फिर दोबारा थर्टी से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक बेसिक चीज़ समझिए ठीक है जैसे आपके पास कोई नंबर्स लिखा है x प्लस वाई अपॉन थ्री है तो मैं इसे x अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन थ्री भी लिख सकता हूँ ठीक है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसको भी मैं ऐसे लिखूँगा पाँच सौ दस इंटू पाँच अपॉन थर्टी प्लस टू फोर्टी इंटू ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी मुझे अपनी कैलकुलेशन को ईजी करना है तो थर्टी से ये कैंसिल और ये कट जाएगा सेवनटीन से तो सत्तर पी पिचासी एटी फाइव ठीक है और थ्री से ये कटा और ये कटा एट तो टू हंड्रेड तो ट्वेंटी फाइव इंटू एट टू हंड्रेड तो कितना आ गया टू एटी फाइव तो मेरा ऑन एन एवरेज पर डे का एवरेज विजिटर्स का कितना आ गया है दो सौ पिचासी यानी टू एटी फाइव तो ऑप्शन नंबर सी सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ठीक है बार बार इनको एक बार बेसिक से समझिए ठीक है अब पहले आप खुद सॉल्व करिए फिर क्या करिए इनको दोबारा से इसका सॉल्यूशन देखना तब तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा कि ये बेसिक से कैसे होता है क्योंकि एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया तो आप प्रैक्टिस के मदद से आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड प्रेस दिट हिट, हिट द लाइक बटन ऑल्सो ठीक है तो लाइक जरूर करिए वीडियो को अगर आपको ये पसंद आती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए जय